हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग वीडियो। और दोस्तों, आज सुबह मैं आपके सामने फिर से लेकर आया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज हम जयपुर की एक यूनिक प्लेस पे हम आए हैं। ये कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, बट ये एक बहुत बड़ा कुंड है। जी हाँ दोस्तों, कुंड जो राजस्थानी लोग हैं उनको पता होगा कि कुंड एक्चुअल में क्या होता है। तो बेसिकली एक तरह का इट्स अ स्टेप वेल, जो कुआं होता है, और पुराने ज़माने में जो लोग पानी पीने के लिए और जो घर के हाउस होल्ड वर्क के लिए जो पानी लाते थे वो बेसिकली ऐसी जगहों से ही लाते थे। और ये प्लेसेस आपको सबसे ज़्यादा कोई भी शहर में, स्पेशली राजस्थान के कोई भी शहरों में कुंड के तौर पे आपको पाई जाएगी। कुंड, या तो फिर अगर उसको राजस्थानी भाषा में बोले तो उसको एज अ बावड़ी हम बोलते हैं। तो इसमें तो आज हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। मैं भी जस्ट यहाँ पहुँचा ही हूँ। तो शुरू करते हैं आज का इंस्पायरिंग वीडियो। एंड गाइस, सो गाइस यू कैन सी दैट यहाँ पे एक छोटा सा एक रूम की जैसे बना हुआ है। आई शो यू फ्रॉम द बैक कैमरा। सो गाइस यू कैन सी दिस, देयर इज अ रूम हियर। यहाँ पे एक तरह का एक प्लेटफॉर्म बना रखा है। सो इससे कहा जाता है कि कोई भी रिलीजियस सेरेमनीज होती थी, जैसे शादी होने से पहले कोई भी कोई पूजा पाठ के लिए या कोई भी उस चीज़ के लिए जो भी लेडीज होती थी वो यहाँ पर आया करती थी। एंड दिस प्लेस वॉज काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म फॉर देम। सो गाइज यू कैन सी, ये बहुत ही प्यारा सा एक सुंदर सा एक कुंड है जो कि सिटी में बना हुआ है। ब्रह्मपुरी जाते समय, जब ब्रह्मपुरी जाने के रास्ते में आता है ये जयपुर में, और इसका नाम है पन्ना मीणा कुंड। पन्ना मीणा कुंड, सो मीणा एक्चुअल में ये लेटर ऑन राजा महाराजों द्वारा यूज़ किया जाता था, लेकिन बेसिकली ये उससे पहले मीणा जाति के लोग के द्वारा बनाया गया था। तो मीणा इट्स अ कास्ट इन राजस्थान। आप डेफिनेटली जानते होंगे जो राजस्थानी लोग हैं इस चीज़ के बारे में। और ये देख सकते हैं हम, ये बहुत ही बड़ा है काफ़ी। और बारिश के समय में ये कहते हैं कि पानी का जो लेवल है ये बहुत ऊपर तक आ जाता है, जो सबसे टॉप मोस्ट जो आप जो देख रहे हैं स्टेयर्स, बारिश के समय में पानी यहाँ तक आ जाता है अगर इट इज़ अ हैवी रेनफॉल। आप देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर शेप में है टोटल, और ये एक राजस्थानी कहते हैं ना कि एक तरह का ये एक सिस्टम होता है, एक म्यूनसिपल सिस्टम होता है जिसमें पानी इकट्ठा करने का एक जरिया होता है, जिसमें बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। और ये सूखे के समय में ये ऐसी जगह बहुत काम आती है, बावड़ी जिसे हम बोलते हैं राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में। और उसके अलावा जो भी कहते हैं कि आमेर की, ये आमेर जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ ये आमेर इलाका है, और आमेर में ये जो स्टेप पहले ये बहुत ही यूज़फुल रहा करता था, क्योंकि यहाँ पे आसपास की जो भी गांव की औरतें होती थी वो लोग यहाँ पे पानी भरने के लिए आती थी, और जो भी
हाउस होल्ड वर्क के लिए वो पानी यहीं से लेके जाया करते थे आके। और ये बहुत ही बेहतरीन जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है।